कृष्ण और सुदामा के किस्से से मौका हवाला वहां से प्रेमी श्रोताओं कि जब सुदामा के घर में गरीबी आ जाती है, टोटा आ जाता है, तो सुदामा की पत्नी मिश्रानी सुशीलानी क्या लगी कि पियाजी आप हर वक्त जिक्र करते हो कि आपका बचपन का मित्र श्री कृष्ण भगवान है, बड़ा साहूकार है, आप क्यों ना उनके पास चले जाओ, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। सुदामा ने कहा लगे मिश्रानी अगर मैं कृष्ण के पास मांगने के लिए जाऊंगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी। न्यू कह लगे महाराज अरे वो इज्जत किसी काम की नहीं होती जब घर में बच्चे भूखे हों, जब इन भूखे बच्चों को देखती हूँ तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा तरस आता है, आप चले जाइए जरूर हमारी कुछ ना कुछ मदद कृष्ण भगवान करेंगे। क्या कह लगी आइए सुनते इस रागनी के माध्यम से। बोली सहम करो सो फिकर पिया जी इस मैं धिगताना कैसे टोटा नफा कर्म का हो से तने उलाना कैसे तने उलाना कैसे सहम करो सो फिकर पिया जी सहम करो सो फिकर पिया जी इस मैं धिगताना कैसे जिसका कर्म अच्छा होता है उसके पास पैसा होता है और जिसका कर्म साथ नहीं देता उसके पास पैसा नहीं होता। पिया जी क्या कहने लगी पिछाण को खानदान की इज्जत ने जो टुक भी जाने को खानदान की इज्जत ने जो टुक भी जाने को हेर भूखी प्यासी पड़ी रही कते गई बिरान को टोटा उसके आया करे जिसकी नीत ठिकाने जानी कोन्या पहलम तो तन जानी कोन्या अब पछताड़ा कैसे तो नफा कर्म का हो से तने उलाड़ा कैसे तने उलाड़ा कैसे चलता है। एक औरत कहती है कि मैं पतिव्रता हूं पिया जी, लेकिन जब इंसान पे गरीबी आ जाती है ना तो औरत के चरित्र का तब पता चलता है कि औरत पतिव्रता है या नहीं। कहते हैं कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। जब इंसान के पास गरीबी आती है तो अपने बच्चे भी साथ नहीं देते। दूसरी लाइनों में क्या समझा लगी सुशीला सुदामा जी को हा? Oh,
संसार कहा करता विभाग उदय होंगे तू न्यू हर बार कहा करता हमारे विभाग उदय होंगे तू न्यू हर बार कहा करता कृष्ण कृष्ण सारी होना मेरे भरतार कहा करता उस नंद के दुलारे ने तू अपना यार कहा करता उस नंद के दुलारे ने तू अपना यार कहा करता उस कृष्ण धोर चालिया जाइए कृष्ण धोर चालिया जाइए इसमें शर्माण जी कुछ ना कुछ तो जरूर हमारी मदद करेंगे श्री कृष्ण भगवान एक बार जाके तो देखिए क्या कहने लगी तीसरी लाइनों में आज पिया कुछ करो ध्यान न्यू भारी तान भला क्यों कर जागी बाज पिया करो ध्यान न्यू भारी तान भला क्यों कर जागी बाज पिया हर वो त्रिलोकी नाथ रखता सब भगता की लाज पिया कदे ना कदे हमने भी देगा वो मूल चोगना ब्याज पिया कृष्ण बिना मारा दुनिया में कृष्ण बिना मारा दुनिया में और ठिकाना कैसे छोटा नफा कर्म का हो से तन उलाना कैसे पिया जी आज हमारा समय लेने का है आप चले जाइए कृष्ण भगवान के पास में ये भी कहा एक कलाकार के लिए अगर कलाकार के साथ संगीतकार ना हो तो गाने वाले का कोई वजूद नहीं होता संगीत के बिना ये भी कहा कि एक कलाकार उस कलाकार की आवाज छोटी हो और आवाज ऊंची रागनी गाने की कोशिश करे तो वो भी अच्छा नहीं होता कलाकार को भी उतना ही गाना चाहिए जितनी उसकी आवाज उसका साथ दे क्या लिखा अंतिम लाइनों में हम इसी टोटे की झलहो से कोए लेनिया कोए देनी आयो आप अपना बल हो से कोए लेनिया कोए देनिया आप अपना बल हो से श्री जगन्नाथ के
चाहिए जितना गावनिया का गड़े हो से जितना गाना चाहिए जितना